प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज आपां जमात तीजी विशा गणित पैस 2020 जो कि अपना 11 नवंबर तो शुरू होने जा रहा वा इहदी आपां तैयारी करनी आ। अध्याय 5 धन उपविशा दोहराई। अज आपां 5वें अध्याय की दोहराई करनी आ। पहला सवाल देखो बच्चों, रुपए लई चिन्ह लिखा जाता है। ये देखो दो एड़ा ऑप्शन रुपए ईडी आर एस रुपीज इंग्लिश में लिखते होंगे जी, तो सच्चा है आ चिन्ह अपने को लिखा है। बच्चे भारतीय करंसी आप इस तरह लिखते हैं, हूँ खाली जगह च लिखना सच्चा ऑप्शन जोड़ा वा अपना ये ठीक है, तो टिक मार्क कर देंगे भारतीय करंसी का यह चिन्ह। बच्चे दूसरा सवाल है, अपने को नोट आ 5 रुपए का, 5 रुपए बराबर किन्ने पैसों के बराबर होगा? बच्चे तुम्हें पता ही आ भी 1 रुपए के किन्ने पैसे होंगे ने, 1 रुपए च 100 पैसे, 1 रुपए के 100 पैसे, 2 रुपए के 200 पैसे, 3 रुपए के 300 पैसे, 4 रुपए 400 पैसे, तो 5 रुपया के किन्ने पैसे हो गए? 500 पैसे। 100, 200, 500 ईडी ऑप्शन जोड़ा अपना ये ठीक है, इनू आप टिक मार्क कर देंगे। इतने आप कि भर देंगे 500, 5 रुपए च 500 पैसे होंगे ने। बच्चो तीसरा सवाल देखो, मेरे कोल 2 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, मेरे कोल कितना धन है? बच्चों देखो 2 रुपए के कितने सिक्के ने, इधर देखो आ सिक्के पे ने 2-2 रुपए के, 2-2 रुपए के कितने सिक्के ने? 4, 1, 2, 3, 4, 1-1 रुपए के 2 सिक्के, 1-2, ये 1-1 रुपए का सिक्का आ। हुण देखो ये किन्ना धन बन गया, गिणो 2 ते 2 4 ते 2 6 ते 2 8 ते 1 9 1 10, 10 रुपए बन गए। किन्ना बन गया ये? 10 रुपए। हुण ऑप्शन अपना देखो 10 कित्थे लिखा, 4 8 12 10, सच्चा ऑप्शन जिहड़ा अपना है ये ठीक आ, इत्थे आपां टिक मार्क कर दांगे ये ठीक आ। बच्चे चौथा सवाल देखो अपना करंसी का निचिन्ह अपना थोनों पहले दस के हटिया, किन्ने रुपए 63 रुपए 27 रुपए 12 रुपए नूं वाधे कर्म च लिखना वा। बच्चो तुसीं वाधे कर्म च घटदे कर्म च पहला सवाल सीख चुके हो, हुण आपां इहनूं वाधे कर्म च, वाधे का कर्म का मतलब की वधना, पहला सब तो छोटी संख्या फिर उस तो वड्डी संख्या फिर उस तो वड्डी अखीर ते सब तो वड्डी जिहड़ी संख्या वा ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆ, 12, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 27 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 35, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 63 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, 12 ਰੁਪਏ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਰੁਪਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ऐड ऑप्शन यह भी 63 रुपए है, यह भी गलत है, क्योंकि सब तो पहला आप कि संख्या लिखांगे, सब तो छोटी 12 रुपए। हुण देखो ईडी ऑप्शन रुपए किन्ने आ, 12 रुपए, उस तो बाद 27 रुपए यह भी ठीक आ, 27 तो बाद 35 रुपए यह भी ठीक आ, ते अखीर ते सब तो वड्डी संख्या 63 रुपए, ये ईडी ऑप्शन जिहड़ा अपना यह ठीक आ, इत्थे आपां टिक मार्क कर दांगे, ये अपना विकल्प सही आ। हाँ बच्चे पांचवा सवाल अपना, अवि ने हेठ लिखिया वस्तुआं एक दुकान तो खरीदिया, खंड 40 रुपए की, चावल 60 रुपए के, दाल 100 रुपए की, ओ दुकानदार नू किन्ने रुपए देवेगा? दुकानदार नू किन्ने रुपए देवेगा? बच्चे जिहड़ियां जिहड़ियां चीजां खरीदियां वह सारियां चीजां का की करूगा, वह जोड़ करूगा, की करूगा वह जोड़,
जोड़ करके आप देख लें इतने जोड़ करके 40 रुपए 60 रुपए ते 100 रुपया 40 रुपए 60 रुपए ते 100 रुपया इन्ने पैसे उन्हें दवेगा वो जोड़ करके देखेगा बच्चा देखो जीरो बेचे जीरो जोड़ी जीरो 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 जोड़ी जीरो जीरो बेचे छे जोड़ के छे छे दे बेचे चार जोड़े दस एक हासिल एक एक हासिल दो एक हासिल ते एक संख्या अंक एक ते एक दो दो सौ रुपया देवेगा किन्ने देवेगा 200 रुपया हुण देखो उड़ा विकल्प 100 रुपया ऐड़ा 200 रुपया ऐड़ा जेड़ा विकल्प अपना ये सही आ इत्ते आपां टिक मार कर दांगे इड़ी किन्ना 50 रुपए सत्सा 500 रुपया सी जो कि गलत आ हुण देखो बच्चों अगला सवाल छेवां सुरजीत कोल 50 रुपए सन किन्ने रुपए सन 50 उसने 20 रुपए दी कापी खरीद ली उस कोल किन्ने रुपए रह गए बाकी किन्ने रह गए कहदा सवाल बच्चो जो बाकी रह गए किन्ने रुपए बाकी रह गए उसका मतलब हुंदा वा घटाओ करनी आपां की करना वा घटाओ किन्ने ने 50 रुपए कापी किन्ने दी खरीदी आ 20 रुपए दी किन्ने रह गए घटाओ करांगे जीरो विचों जीरो कटी जीरो पंजा विचों दो कटे तीन किन्ना उत्तर आ गया ती ती रुपए उस कोले बाकी रह गए उड़ा देखो ऑप्शन 20 रुपए ऐड़ा 10 ईडी 30 रुपए देखो ईडी ते आपां टिक मार कर दांगे जो कि ठीक आ हाँ भी प्यारे बच्चों हुण तुहाडा घर दा काम की आ जिन्ने आपां पैथ दे क्वेश्चन कराए ने इन्हां सारे सवालां दा तुसीं रिविजन करना धन्नवाद।